और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर के खिलाफ क्या सत्ताधारी क्या विपक्ष, दोनों पार्टियां आंदोलन कर चुकी है, मगर जनता की पीठ पर टोरेंट ने लाखों का बिल लाद दिया है। आखिर इस बोझ को कम कैसे किया जाए, इस पर राजनीति पार्टियां अपनी राजनीति की रोटी सेक रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो पठान, जिसमें से एक एनसीपी के नगर सेवक शानू पठान है और दूसरे एमआईएम के कलवा मुमरा के अध्यक्ष सैफ पठान। हम इन दोनों लोगों से आज टोरेंट पावर के बिजली बिल पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो लाखों का बिल टोरेंट पावर ने जनता को भेजा है, इस पर ये दोनों पार्टियां आखिर क्या कदम उठा रही हैं कि जनता की जो बिल भेजा गया उसे कम कैसे कराया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सैफ पठान से। सैफ पठान, आप बताइए कि आपने अभी आंदोलन किया था टोरेंट के खिलाफ, तो आपके आंदोलन से टोरेंट पर क्या फर्क पड़ा और क्या हल निकल कर आया? देखिए कि जैसा आप जानते हैं कि अभी हम लोगों को आंदोलन करके दो ही दिन हुआ है। हम लोगों ने उसके खिलाफ पैदल मार्च किया था, जिसकी पुलिस परमिशन हम लोगों को सिर्फ कुछ लोगों की दी गई थी, 10 से 15 लोगों की। इंशाल्लाह ताला हमने मेमोरेंडम दिया उसको, और उसमें हमने साफ तौर पर कहा है कि अगर 15 दिन में कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी तकलीफें तुम लोगों से आ रही, अगर वो सॉल्व नहीं की गई, तो हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे। शानू भाई, आपने भी आंदोलन किया था, आपके आंदोलन का क्या रिजल्ट निकल कर आया? इस्लामुद्दीन भाई, देखिए आंदोलन मैंने फर्टी बिल और एवरेज बिल के खिलाफ किया था, जिसके लिए टोरेंट कंपनी ने मुझे 1 महीने का वक्त मांगा था। अभी उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को हम आपको हर पैनल में एक कैंप दे रहे, उस कैंप के जरिए से लोगों को हम जिनके फॉल्टी बिल है, जिनके एवरेज बिल आ रहे, उस पर हम टोकन देके, जिनको तकलीफ है वो टोकन देके उनके बिल को बुलाएंगे और उनकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। टोरेंट और MSEDCL बैठ के उस बिल को सही करके ग्राहक को देगी। और हम बाकायदा सानू भाई आप बोल रहे हैं कि 1 महीने का आप 29 तारीख को आंदोलन किए थे। सुनिए, आप 29 तारीख को आंदोलन किए थे, 1 महीने का दिन गुजर गया, सुनिए, नहीं लगा कैंप कहीं? सुनिए ना मेरी बात सुनिए। 29 तारीख को दिया था उन्होंने मुझे, आज ही मतलब फिलहाल 2-3 दिन पहले ही, 29 अगस्त, अरे सुन तो लीजिए, 29 तारीख का उन्होंने आंदोलन था, उन्होंने 1 महीने का मुझसे वक्त मांगा था। अब उन्होंने मुझे कैंप दे दिया है और उन्होंने कहा है कि 19, 20, 21, 22 आपका कैंप रहेगा, आप लोगों तक ये बता दीजिए। हम लोगों को कटआउट के जरिए, मीडिया के जरिए जिनकी शिकायत है वो ग्राहकों को बुलाएंगे कैंप में और लोगों को टोकन देंगे और बाकायदा रिकॉर्ड भी रखेंगे कि किन लोगों की कंप्लेंट हमारे पास आई और सॉल्व हुई कि नहीं हुई कंज्यूमर की। हाँ बोलिए। इस्लामुद्दीन भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो शानू भाई को उन लोगों ने बताया है क्या लिखित में दिया है क्या शानू भाई उन लोगों ने? इस्लामुद्दीन भाई, मीडिया साथ में थी, आप अपने आप वहाँ पे मौजूद थे? नहीं नहीं, हम लोग साथ में थे, लेकिन लिखित में दिया क्या उन लोगों ने? पावर में लिखित में दिया क्या आपको? आप मुझे नहीं, आज शानू भाई मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो ना कि आज आपको बोला उन लोगों ने, वो आज आपको लिखित में दिया क्या ऐसी हवा में बात हुई? जब उन्होंने मुझे कैंप की डेट दिया है 19, 20, 21, 22, 23, तो वो कैंप उनको देना ही है, क्योंकि उनके सारे जिम्मेदार मेरे आके मेरे पास मेरे ऑफिस में आके बोले, सब जिम्मेदार टोरेंट की कंपनी के जितने भी जिम्मेदार है वो मेरे ऑफिस में आके उन्होंने बाका था मेरे भाई, को सानू भाई सुनिए, जब आपने आंदोलन किया था 29 अगस्त को, उस वक्त भी उसी टोरेंट पावर के जिम्मेदार ने ही आपको आश्वासन दिया था कि 1 महीने बाद हम कैंप लगाएंगे, लेकिन 1 महीना गुजर गया, नहीं लगा कैंप कहीं भी, नहीं, आप ये, आप और जनता परेशान है। इस्लामुद्दीन भाई, कहीं ना कहीं मैं बता दूं, मेरी बात गौर से सुनिए। हाल फिलहाल में मुमरा में जब केसेस बढ़ गए थे, उसके तहत माननीय मिनिस्टर साहब ने बोला था कि कोई प्रोग्राम लेना नहीं है, इसके लिए हमने उनकी बात को, एक दरगाह के मिनिस्टर बोल रहे हैं और केसेस मुमरा के बढ़ रहे हैं तो क्राउड नहीं जमा होना चाहिए, उसके लिए हमने सिस्टम किया कि हम एक डायमंड हॉल में करेंगे, एक कौसा में और एक मुमरा स्टेशन के उधर डिवाइड करके लोगों को कैम करके भीड़ एक साथ ज्यादा ना जमाओ और टोकन देंगे। हमारी मीटिंग ये 4 हो गई है, 4 मीटिंग, लेकिन कैम कैसा लगाना चाहिए ताकि एक साथ क्राउड ना हो, और कोविड का मामला है
कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना फैले, इसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। ये आम दिन नहीं है, ये महामारी का दिन है। यहाँ पे हर अरे सानू भाई, लेकिन मंत्री जी तो अभी जल्दी नाराज होके गए ना कि एक महीना तक मंत्री जी का, मंत्री जी का एक महीना हो गया पूरा, 15 तारीख को एक महीना पूरा हो जाएगा। आप डेट लिख लीजिए। अरे अभी आप लोगों ने एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था, उस दिन मंत्री जी नाराज होकर गए। एक महीना हो गया, अभी एक हफ्ते हुए, एक से डेढ़ हफ्ते हुए मंत्री जी को नाराज होकर गए। इस्लामुद्दीन भाई एक महीना हो गया, और वो नाराज होकर किसके वजह से गए? आप लोगों की वजह से नाराज होके गए। वो नाराज हो गए हमारी वजह से गए, पब्लिक ठीक है, वो अगर हमने भी गलत किया तो उनको नाराज होने का हक है, गलत को गलत बोलना चाहिए। लेकिन आप लोग टोरेंट पर क्या कर रहे हैं? जो जनता परेशान है, बिल लाखों रुपए का बिल, लाखों रुपए का बिल टोरेंट पे 19-20 10,000 रुपए जो आदमी कमा रहा है वो लाखों रुपए का बिल कैसे भरेगा? सानू भाई बताता हूँ, बताइए ना। उन्होंने वहाँ पे एक ऑफिसर को अपॉइंट किया है, वहाँ पे एक अधिकारी को बिठाया है जो लोगों की समस्या तुरंत बिल को देख रहा है। लेकिन अरे बिठाया क्या, वहाँ कोई शिकायत सुनता ही नहीं है। लेकिन मुझे वहाँ कोई शिकायत ही नहीं सुन रहा है। इस्लामुद्दीन भाई, इस्लामुद्दीन भाई, कोई शिकायत कोई नहीं सुन रहा है। टोरेंट पे भरोसा नहीं, लोगों के फोन आ रहे, कंप्लेन आ रहे, वहाँ पे सुनते नहीं है शिकायत। मुझे टोरेंट पे भरोसा नहीं है, लोगों को मुझे शिकायत नहीं सुनी जाती। बराबर क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे टोरेंट पे भरोसा नहीं है, मुझे टोरेंट पे भरोसा नहीं है। इसीलिए हमारे वॉलंटियर चेक करेंगे कि अगर 1,000 कंप्लेंट आई है और 1,000 में से लोगों कंप्लेंट कितने लोगों का मतलब हल हो रहा है, प्रैक्टिकल बात करके। उसको मैंने आपको इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि ये लड़ाई हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी। इस्लाम बोलिए आप। शानू भाई, इस्लामुद्दीन भाई देखिए, जैसा कि शानू भाई बता रहे कि वहां पर वॉलंटियर्स बैठाए गए, तो मैं आपको बता दूं कल की कंप्लेंट है मेरे पास, कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहां पर। वहां पर जितने टोकन बांटे जा रहे उतनी भी बात नहीं कर रहे उन लोग अधिकारी, 10-20 लोगों से मिलते, उसके बाद बाकी लोग को वापस कर देते। तो इनके वॉलंटियर कहां पे? जवाब दीजिए ना शानू भाई, आपके वॉलंटियर कहां पे हैं? बोलिए शानू भाई, शानू भाई और दूसरी सुनो ना शानू भाई, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, जरा 2 मिनट सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, आप ये बता रहे हो कि आप यानी सिर्फ एवरेज बिल के लिए ध्यान दे रहे हो, एवरेज बिल के लिए कर रहे हो, लेकिन मुद्दा सिर्फ एवरेज बिल का नहीं है, मुद्दा टोरेंट का है, वो मुद्दा पूरे टोरेंट का है। टोरेंट ने जिस तरीके से आते हुए, आपकी सत्ता होते हुए, आपके मिनिस्टर एमएलए होते हुए, आपके 18 नगर से वो होते हुए आने के बाद टोरेंट ने यहाँ पर जो यूनिट के पीछे पैसा बढ़ा दिया है 50-50 पैसा, उसपे आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारी सरकार नहीं थी जब टोरेंट आई। अरे गलत बात, अभी तो है आपकी सरकार, सरकार में टोरेंट आई है, अभी तो है आपकी सरकार। आप साबित, मैं भी साबित कर दूंगा आपकी सरकार में आई, और आप लोग यानी कहीं ना कहीं उसका सहयोग करे आने में, आप लोग चुप रहे। आप ये बताइए, टोरेंट जब आई थी, जब यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार थी क्या? ठीक है, शानू भाई सुनिए, पहले जवाब दीजिए। शानू भाई सुनिए, मेट्रो किसने लाया था? बीजेपी सरकार ने लाई थी ना मेट्रो। बस मेट्रो का काम किसने रुकाया? इस्लामुद्दीन भाई, मेट्रो का काम किसने रुकाया? आप सुनिए, इनकी सरकार ने रुकाया आप लोगों ने मेट्रो का काम, आप लोगों ने रुका दिए, टोरेंट क्यों नहीं रोकी? बताइए ना, जवाब दीजिए इसका आप। अरे इन हमारे यहाँ के एमएलए साहब, मंत्री महोदय वहाँ आर्य कॉलोनी पहुंच गए रेलवे का मेट्रो का काम रुकाने, लेकिन उनको टोरेंट रुकाने नहीं जमा। यहाँ पर टोरेंट का भी आने वाला बस आप लोग, एक बस आप लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया, बीजेपी लाई। अरे आप आए सत्ता में ना, आप करो ना कैंसिल, क्यों नहीं कर रहे हो? नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स टेंडर होने के बाद कुछ नॉर्म्स होते हैं, एज पर टेंडर कोई फॉल्ट होगा तो ही उनको हटा सकते हैं, और नहीं तो। अरे और कैसा फॉल्ट चाहिए? कैसा फॉल्ट चाहिए? लाखों रुपए की बिल जनता मरी जा रही है, क्या फॉल्ट चाहिए आप? कैसा फॉल्ट चाहिए? नहीं तो गवर्नमेंट को कई 1,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी देना पड़ेगी टोरेंट को। नॉर्म सब ये टेंडर के नॉर्म्स होते हैं भाई, सुनिए सानू भाई, क्या आप आपका आपका कहने का मतलब जो टोरेंट पावर भेज रही वो सही है क्या? टोरेंट को हम लोग जो लड़ाई लड़ेंगे वो कानूनी के साथ और प्रैक्टिकल भी, कि अगर उनकी जो फॉल्टी बिल की जो डिटेल है, एवरेज बिल की डिटेल है, उन्होंने नहीं सुधारा तो उसको लेके हम कब बताएंगे कि ये नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे हैं? इन्होंने एग्रीमेंट में जो दिया था ग्राहकों को, हम सही बिल देंगे, ये नॉर्म्स का उल्लंघन है, इसके तहत हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, मैं शानू भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ।
हेलो, मैं शानू भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ। टोरेंट का लफड़ा जो मसला चला वो पिछले 3 साल से चल रहा था कि टोरेंट आने वाली उसको रोकना है। आज शानू भाई आपके चैनल के माध्यम से बता रहे कि वो कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ यानी केस करेंगे, तो शानू भाई ने उसको आने के लिए क्यों नहीं रोकने के लिए केस करने गए? 18 नगर से वक्त 5,000 निकालते, कम पैसे में कोर्ट पहुंच जाते। आज टोरेंट हमारे शहर में आ गई है, आपको पता है। देखो, इनकी सरकार में ही टोरेंट हर जगह जाती है। आपको याद होगा भिवंडी में 2008 में टोरेंट आई है, जब इनके विज मंत्री इनके अजीत दादा पवार थे, वहां पर आई। आज देखिए वहां पर लोम इंडस्ट्री उखाड़ दी गई, आज वहां पर हजारों की तादाद में लोगों पे केस बना दिए गए टोरेंट की तरफ से। कितने 100 लोग मैं आज बता सकता हूँ अंदर है। टोरेंट जब बिल भेजता है, मेरे पास कुछ बिल है अभी टोरेंट के इस महीने के, मैं आपको बिल दिखाता हूँ। बिल का अमाउंट है कि अगर आपके उस पर दिख रहा है तो 1,52,000 का बिल है। अगर ये बिल नहीं भरा तो टोरेंट उस पर केस कर देगी और टोरेंट उसके बाद यानी उसको जेल पहुंचा देगी। तब इनकी सरकार इन लोग का लड़ के क्या फायदा? जब हम लड़ रहे थे, जब 2019 जनवरी में हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे भीम उमरेकर की तरफ से, तब कोई एक नगर सेवक हमारे पास नहीं आया। हमारे 14 लोग बैठे थे MIM के, लेकिन हमने मुमरा की आवाम का सोचकर, बाकी मुमरा के लोगों का सोचकर MIM के बैनर पे नहीं करके मीम उमरेकर के बैनर पे किया भूख हड़ताल के, ताकि मुमरा के लोग जुड़ सके। तब इनका कोई एक नगर सेवक हमारे पास नहीं आया, कोई MLA नहीं आया, यहाँ का MP नहीं आया हमारी लड़ाई में। उस वक्त ये लोग चुप क्यों थे? उस वक्त ये लोग सपोर्ट क्यों कर रहे थे उसको? उसका जवाब देना। आज अगर टोरेंट आई तो कहीं ना कहीं इनकी गलतियों से आई है। जब टोरेंट के खिलाफ वारिस पठान यहाँ के MLA नहीं है, उन्होंने आवाज उठाई असेंबली में, लेकिन हमारे यहाँ के MLA थे वो असेंबली में चुप क्यों थे टोरेंट के खिलाफ? ऐसा क्या था जो उनको चुप रखा हुआ था? आप सुनिए, वहां पर दिखाने के लिए जवाब सुनिए। पहला जवाब के सैफ भाई ने बोला कि इनकी सरकारें जब आती है, जब टोरेंट आती है, तो सैफ भाई आपके कायद असद साहब भी उस सरकार का हमेशा हिस्सा रहे। रिकॉर्ड निकाल लेना कांग्रेस और राष्ट्रपति के साथ, निकाल लिया रिकॉर्ड निकाल लिए। अरे भाई, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। सुनो ना, हमारे अजित साहब कभी सेना का साथ नहीं दिए, हमारे अजित साहब कभी बीजेपी का साथ नहीं दिए। पहले की बात आपने बोले, जब जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार आई है तब तब ऐसा ऐसा हो, तो लेकिन महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अजीत दादा पवार हैदराबाद के मिनिस्टर नहीं, इस्लामुद्दीन भाई दूसरा मामला, माननीय मिनिस्टर साहब ने इन, हो सकता, मैं मानता हूँ कि वारिस पठान सिंह ने मुद्दा उठाया है, होगा हाउस में, मैं इसकी डिनाई नहीं करता हूं, उठाया। लेकिन ये सैफ भाई, सैफ MIM को आदत है हर चीज को डिनाई करने का, गलत बोलने का। पूरे जिस्म में एक कहावत सुने ना, हदीस भी है कि पूरे जिस्म में मक्खी उसी जगह पे जाती है जहां जख्म और गंदगी होती है। तो ये मामला ऐसा है कि मैं मानता हूं कि वारिस पठान जी ने हाउस में मुद्दा टोरेंट के खिलाफ उठाया, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि असेंबली के बाहर नागपुर में आवाज साहब ने टोरेंट के खिलाफ आंदोलन किया। नहीं मानेंगे भाई मैं इस पे बोलना चाहूंगा बीच में, अगर इजाजत हो तो। शानू भाई मेरे को एक बात बताइए, असेंबली के बाहर बैठकर मिनट्स में दर्ज कराया जाता अपना मुद्दा के अंदर, मैं आपको याद दिलाऊं, यही टोरेंट इसके साथ मुमरा के साथ मालेगांव भी आने वाली थी, जब उस वक्त के MLA थे उनके असलम शेख, उन्होंने लक्ष्य विधि लेकर के उसको कैंसिल करवाया। आज मालेगांव में नहीं है और हमारे MLA साहब सिर्फ फोटो सेशन करने के लिए नागपुर के बाहर बैठे रहे असेंबली के बाहर। अंदर क्यों नहीं चिल्लाए उनको? हमने सुनिए ना शानू भाई, हमने क्यों चुन के दिया कि हमारी आवाज वो असेंबली में उठावे, ना के बाहर फोटो खिंचावे? असेंबली के बाहर ही आंदोलन किया है एक, और दूसरी बात इस्लामुद्दीन भाई ये बात तो सुनिए, पावर मिनिस्टर के साथ बैठ के 2 मीटिंग किए और ये बोले कि आपको, हमको ये टोरेंट मंजूर नहीं है। बाकादस मंडप ने, उन्होंने ये कहा, हमको कल्याण में भेजा उन्होंने कि आप लोग की एक पूरे जनसभा लगाएंगे। मैं, हम लोग ने कहा मुमरा की आवाम को ये मंजूर नहीं है, मुमरा की आवाम को ये मंजूर नहीं है। अरे लेकिन शानू भाई, आप बोल रहे हो, आपको शानू भाई 2018 आप कह रहे हैं मुमरा की आवाम को मंजूर नहीं है, आज भी मुमरा की आवाम को टोरेंट मंजूर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को टोरेंट मंजूर है, क्योंकि ये खुद आपके शब्द हैं कि मेरा टोरेंट का विरोध नहीं है। शानू भाई, टोरेंट के जब स्टार्ट में केबल उतारे गए शहर में, शानू भाई आप वो केबल के साथ, शानू भाई आपने खुद कहा कि मेरा टोरेंट का विरोध नहीं है, आज भी टोरेंट के खिलाफ मुमरा शहर की जनता है, लेकिन आप लोग ने आने दिया, आपको टोरेंट को आप लोगों ने आने दिया। अगर लाइट नहीं रहेगी तो लाऊंगा केबल। अरे
केबल लाना पड़ा। अरे टोर, लेकिन यही तो लड़ाई थी, आपके मंत्री साहब ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी। सुनिए ना शानू भाई, आपके मंत्री साहब ने ऑन कैमरा आकर के ग्लोबल मीडिया पे ये बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं टोरंट को शहर में नहीं आने दूंगा। तो वो हमेशा आपकी पार्टी की तरफ से झूठे वादे क्यों करे जाते कि कोई आपका कोई नेता बोलता है कि उसकी लाश पे से टोरंट को गुजरना होगा। आपके मंत्री साहब बोलते हैं मैं जीतूंगा तो मैं आने नहीं दूंगा, उसके बावजूद भी टोरंट बड़े धड़ाडे से शहर में है। और यकीन मानिए मैं इस्लामुद्दीन भाई बता रहा हूँ, टोरंट की अभी विजिलेंस उतरी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। जिस दिन ये विजिलेंस उतरेगी शहर में, आप देखना कितने लोगों पे केस बनेंगे। लोगों को अपना जेवर तक बेचने पड़ेंगे, घर के सामान बेचने पड़ेंगे, सिर्फ हमारे नगर सेवक और एमएलए की यानी चुप रहने की सजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। जब ये बात ऐसी इस शहर पे अत्याचार की बात आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला हम भी जेल जाने तैयार है, हर लड़ाई करने के लिए तैयार है। बाप का राज नहीं चाहिए, कोई कोई आके कंपनी आएगी और किसी को आएगी। और फिर भाई भाई चाहे आपका भी प्लेटफॉर्म रहेगा, भाई भाई किसी का भी प्लेटफॉर्म रहेगा, हम आके साथ में लड़ लेंगे। हम भाई हमारे लिए पहला प्रायोरिटी भाई भाई मैं यही चाहता हूँ आप साथ में आके लड़ो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, जब जब शहर पे हमारी आवाम को उसकी उसका हक दिलाना, उसकी सहूलत दिलाना है, बाकी सारे मामला दूसरा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैं आप इस्लामुद्दीन भाई शानू भाई जो बोल रहे ना, मैं उसके जवाब में बोलना चाहता हूँ कि देखो जब जब शहर पे कुछ ऐसी मामलात आती है, जैसे रोड रुंदीकरण के टाइम पे इनके नगर सेवक कहाँ गायब थे, अरे जफर आज शानू भाई बोल रहे उसी तरीके से टोरंट के टाइम पे सबके फोन बंद हो गए, सब गायब हो गए। सुनिए रुकिए, क्या करेंगे आप लोग, रुकिए पहले बात सुनिए। आज पूरे शानू भाई के लोग जितनी दुकानें थी सब भाई रुकिए आज रोड पे आ गए, इन लोग के फोन बंद थे उसी तरीके से। जब एक मिनट रुकिए साहब भाई, रुकिए चालू भाई आप कह रहे थे कि मुंब्रा शहर की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं, आपके शब्द हैं कि मेरा टोरेंट का विरोध नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप बोलिए, मेरी बात आपने सुनी ही नहीं। सुनिए ना अरे कैसे विरोध होगा भाई, उनके समर्थन आप लोग के समर्थन से। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जनप्रतिनिधि की इजाजत बिना कोई कहा बोलिए क्या आपको, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैंने ये कहा मेरा पर्सनल मामला ये है, अगर मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो टोरेंट रहे या कोई भी कंपनी रहे, अगर MSEDCL की तरह बिल भेजेगी, यानी आप पर्सनल सुनिए आपका विरोध नहीं, इसका मतलब आप दिखावा करते हैं, आप दिखावा करते हैं, फिर मुंब्रा शहर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। की तरह बिल भेजेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं, नहीं नहीं गुमराह कर रहे हैं ना, जब आपका टोरंट के खिलाफ विरोधी नहीं है तो आप आंदोलन क्यों करते हो, गुमराह कर रहे हो ना फिर लोगों को। मेरा आंदोलन भाई, मेरा आंदोलन भाई, टोरंट के भाई, एवरेज बिल और फॉल्टी बिल के खिलाफ है, और अगर वो कायम रहेगा। अरे आपका आंदोलन किस काम का है, जब आप टोरंट के खिलाफ ही नहीं हो तो आपका आंदोलन किस काम का है। कितनी लाइट कंज्यूमर को दे रहे हो, उतना पैसा अगर आप लोगे। अरे शानू भाई, जब आप खिलाफ ही नहीं हो टोरंट के तो आपका आंदोलन किस काम का है वो बताइए ना मेरे को। मेरा विरोध है, नहीं मुझे बताइए ना शानू भाई, आपके बोलने का मतलब है वो बिल कर यूनिट का चार्जेस बढ़ा करके पैसा ले तो आपका विरोध नहीं है, वो ये बता देवे कि हमारा चार्जेस बढ़ा है लीगल है तो आपका विरोध नहीं है। और अगर 50 यूनिट का पैसा भेजते तो मेरा विरोध नहीं, यूनिट की बात नहीं करो, यूनिट पे जो पैसा बढ़ाया जा रहा है जो पैसा हाँ, तो आप तो सीधा समर्थन कर रहे हैं अगर वो यूनिट पे, हम वही तो बोल रहे हैं जो ये MSEB का बिल है, जो पिछले फरवरी का बिल है और ये टोरेंट का बिल है, इसके पीछे आप देख सकते हो, मैं दोनों पे यूनिट चार्जेस बताता हूँ आपके पास। अगर मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि उनके पास अगर ये महीने का टोरेंट का बिल होगा और फरवरी मंथ का जो इसका MSEB का बिल होगा तो उसके पीछे यूनिट चार्जेस टोरेंट पे यहाँ दिए गए हैं और इसके यहाँ पर याद ये दोनों में डिफरेंस देखो। आपका बोलने का मतलब है टोरेंट के जो यूनिट चार्जेस है बढ़ा करे तो आपका विरोध नहीं है जी। मेरा स्टैंड साफ है शानू भाई, आपका कंज्यूमर यूनिट यूज करेगा अगर उतना बिल कोई भी कंपनी भेजेगी मेरा विरोध नहीं है। जो बिल 10,000 जो बिल, अरे तो उतना समर्थन नहीं कर रहे शानू भाई, जो बिल शानू भाई आने आप सीधा समर्थन कर रहे 10,000 भेजोगे मेरा विरोध है, फिर वो कोई भी कंपनी रहे चाहे MSEDCL रहे, टोरंट रहे, टाटा रहे, रिलायंस रहे, मेरा विरोध है। और मेरा विरोध एवरेज बिल और फॉल्टी बिल पे है, वो कायम रहेगा। उसके लिए चाहे मुझे सरकार के खिलाफ हमारी रहे उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़े, बिल में जाना सिर्फ एवरेज बिल को लेकर नहीं एवरेज बिल को लेकर खिलाफ नहीं है।
आपको यानी जनता से मोहब्बत नहीं है, आपने बता दिया कि यूनिट के जो चार्जेस है वो बढ़ा कर लेगी तो आपको विरोध नहीं है। अरे ये लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ पर टोरेंट आई है, उसने यूनिट चार्जेस बढ़ाई है, उसने इस्लामुद्दीन भाई पर यूनिट चार्जेस बढ़ाई है। शानू भाई, इस्लामुद्दीन भाई मुझे मालूम है टोरेंट को भगाने के लिए प्रैक्टिकल उसके जो एग्रीमेंट है उसका उसने उल्लंघन किया, उसके आधार पे उसको कर देंगे, नहीं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कई हजार करोड़ रुपए की पेनल्टी आ जाएगी। अरे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हम क्यों सोचे भाई, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब लाते हम कई हजार खाएंगे तो जनता भुगतेगी क्या? जनता का सोचे ना, हम हमारे शहर के लोगों का सोचे, लाते हमारे शहर। अरे भाई एग्रीमेंट, अरे तो नॉर्म्स क्या जनता, वही बोलो नॉर्म्स के नाम आप लोग चुप क्यों थे? आप अठारह नगर सेवक अगर महासभा में इसका विरोध करते, अगर आप लोगों को जनता ने चुन के दिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर महासभा भेजा, अरे तो आपका मिनट लेकर आपके, मैं वही बोल रहा हूँ ना, सुनिए ना, आप मेरी बात सुनो ना शानू भाई, मेरी बात सुनो ना, महासभा के मिनट्स लेकर के आपके एमएलए वहां पर असेंबली में आवाज उठाते, लेकिन आप लोग प्रॉपर चैनल से जिसके लिए चुन के दिए गए वहां तो बात ही नहीं कर रहे हो, और उसके बाद आप आज गवर्नमेंट की फिक्र बता रहे हो कि सरकार को हजार करोड़ का वो फल है। अरे सरकार को पढ़ने दो, लेकिन हमारी गरीब जनता जो यहाँ पर रहने वाले 8 से 9-10 हजार कमाने वाले मिडिल क्लास के लोग है, उनका सोचे फिक्र नहीं है, टोरेंट उनके लिए कौन बोलेगा? उनकी फिक्र इनको नहीं है, आपको इनको सरकार की फिक्र है, मेरी बात साफ है, जनता की फिक्र स्टैंड मैं बता रहा हूँ शानू भाई, आप इनडायरेक्टली बता रहे की आप टोरेंट के फेवर में है। इस्लामुद्दीन भाई याद रखिए, लड़ाई लड़ने का रहेगा प्रैक्टिकली लड़ाई से ही जीत सकते हैं, हम लड़ रहे भाई प्रैक्टिकल लड़ाई, और इंशाल्लाह ताला मैं ये प्रहार टाइम के माध्यम से भाई आपको बता रहा हूँ कि आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रॉपर चैनल से हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे मुमरा से, सरकार की हमको नहीं पड़ी है के सरकार को। अरे तो देव कब्रस्तान की लड़ाई चालू है भाई, हम वो जो बिल्डर माफिया हुआ कब्जा कर रहे हैं उसके खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रहे हम उसके, अरे भाई हम जा रहे शानू भाई, इंशाल्लाह ताला उसका भी रिजल्ट लाएंगे। कोई भी लड़ाई देखो, हम सिस्टम में नहीं है, हम सिस्टम के बाहर है, हम सुने ना भाई, मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिए, मैं सुनूंगा। बोले, 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 हम सिस्टम के बाहर है, हम लोगों को लड़ने को टाइम लगता है, हम बाहर पेपर वर्क कर रहे सब, हम इंशाल्लाह ताला उसका भी रिजल्ट लाएंगे। हमारे को तो यही ऐतराज है कि आपको फिलहाल इस वक्त जनता ने चुना के रखी है, तब भी आप नहीं लड़े जहां आप फास्ट फास्ट काम कर सकते हो। हम इंशाल्लाह ताला जो आप कब्रस्तान का बोल रहे हैं ना, देखो आप लोग है ना वो कब्रस्तान से खुश हो, लेकिन मैं कैथोलिक भाइयों पे यानी आफरीन जाता हूँ कि उन्होंने कम मेजोरिटी में माइनॉरिटी में होकर के भी वहां उसका विरोध कर दिया, दलदल बोल के चाबी रिटर्न कर दी, आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया वो दलदल को। हमारे भाई मुद्दे से मत हटिए, मैंने शानू भाई को जवाब दे रहा हूँ भाई, टोरेंट पर बात कीजिए, टोरेंट पे सुनिए भाई, टोरेंट पे बात कीजिए। अल्लाह का शुक्र है के माननीय जितेंद्र रावत साहब की मेहनत से वो कब्रिस्तान आ गया, नहीं तो मैयत भी बंबई में दफनाने नहीं देते लोग, नहीं देते। शालू भाई अल्लाह का शुक्र मत करिए, आपके माननीय जितेंद्र रावत जी की वजह से जहाँ पास हुआ था वहाँ नहीं दे करके, वो बिल्डरों को दे करके हमको दलदल की जगह दी गई, आपके नियामत छीन ली गई, स्लाटर हाउस छीन ली गया, आज स्लाटर हाउस हमारे शहर में आ जाता तो कई हजार लोगों को रोजगार मिलता। महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत कब्रिस्तानों में से ये भी एक कब्रिस्तान है। अरे भाई आपके वादों की बहुत खूबसूरत है, ये वादे सच्चे लगते बाद में झूठे होते, कब्रिस्तान अच्छा लग रहा बाद में हकीकत दिख रही लोगों को। साहब भाई टोरेंट पे बात की, भाई मैं टोरेंट पे यही बोल रहा हूँ, और मैंने सुनिए ना, मैंने वसीयत भी किया कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे भी वहीं दफना देना। इंशाल्लाह भाई आपकी वसीयत को मैं भी आपका छोटा भाई होने के नाते पूरा करूंगा भाई, आप टेंशन ना ले, लेकिन फिलहाल टोरेंट के लिए मुझे ये बोलना है कि टोरेंट पे बात कीजिए, आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई जब हम लोग विरोध कर रहे थे, आप लोग उस विरोध में एज अ मीम उमरेकर क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि आप इनको समर्थन कर रहे थे। मैं आपको बता दूं इस्लामुद्दीन भाई, शानू भाई सुनिए सैफ पठान जो आरोप लगा रहे हैं कि आप टोरेंट के साथ थे, क्या वाकई में टोरेंट के साथ थे? आपके जो आंदोलन के अंदर किया गया उसके अंदर आप भी थे, हम लोग भी थे, लेकिन नहीं मानोगे आप लोग, नहीं मानोगे। नहीं मैं मीम भाई, भाई भाई मैं बोलूं, मैं मीम उमरेकर की जो भूख हड़ताल 3 दिन हम भूखे बैठे थे 17 लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुमरा स्टेशन पे एक नगर सेवक आपका क्यों नहीं आया? आप लोग क्यों ऐतराज देने का? देखिए सुनिए ना, अगर पांच मामले आंदोलन हुए उसमें से एक जगह नहीं आ पाए तो गलती है क्या? 4 में तो आए ना, 3 दिन भाई, 3 दिन नहीं आ पाए आपका एक नगर सेवक आपके एमएलए साहब 1 दिन नहीं आ पाए 3 दिन में से, क्यों नहीं आए? मैं बता रहा हूँ ना, मैं सुनिए ना, हम साथ अरे भाई वो आंदोलन में आप आधे से जुड़े और आधे से चले जाते थे खत्म करके। अरे बताइए तो थे कि नहीं?
अरे वो तो आप दिखाने के लिए आ रहे थे क्योंकि कैसा उसमें जैसे आपके सुने ना मंत्री साहब सुने ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मेरी बात सुने ना शानू भाई क्या कर रहे मालूम है, आप तो जजाक अल्लाह वास्ते काम कर रहे छुपके, हम लोग दिखाने का कर रहे तो हमको दिखाने शानू भाई भाई इस्लामुद्दीन भाई सुनिए ना सर भाई, अगर एनसीपी के लोग दिखावा कर रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? अरे भाई हमने तो रोका, हमने तो ये टोरेंट पिछले साल 2019 जनवरी 26 को आने वाली थी, हमने 21 22 23 को भूख हड़ताल की, हमने 24 को धरना आंदोलन किया कलवा से, तब जाकर के तो वो डर के रुके, उसी के बाद तो रोकी, उसी के बाद एमएलए इलेक्शन के डर से मंत्री साहब ने रुका। हम तो सीधा बता रहे, और देखिए जैसा शानू भाई बता रहे ना, जैसे ही शानू भाई और इन लोग की टीम मंत्री साहब आंदोलन में जुड़े, लोगों ने एक नारा लगाया वहां पर, घेतलेला पाकिट परत वापस करा, वो नारा उनके जुड़ने से पहले नहीं लगा था, तो क्यों लोगों ने लगाया? कलवा के लोगों ने लगाया, मुमरा के लोगों ने नहीं लगाया, ये मुमरा के लोगों ने नहीं लगाया। मैं क्या बोलता हूँ, इल्जाम लगाना आसान है और काम करना मुश्किल। कब्रिस्तान में लिफाफा मिला, टोरेंट में लिफाफा मिला, तो इंशाल्लाह ताला आप भी अभी राजनीति में जुड़े हो और मुझे यकीन है कि आप भी नगर सेवक बनोगे एनसीपी से इंशाल्लाह, तो लोग आपको भी बोलेंगे एनसीपी दल। मेरे भाई ये ख्वाब देखना बंद करें, ये आप लोग देखिए, मैं मजलिस का जिम्मेदार हूँ, और इंशाल्लाह ताला सुनिए ना, इंशाल्लाह ताला ये टोरेंट, ये कब्रिस्तान, जितने करप्शन शहर में हो रहे मजलिस के परचम के नीचे सब खोलेंगे हम लोग इंशाल्लाह, क्योंकि एनसीपी ने भाई ये तो आप कुछ भी बोलो वो आपके ख्वाब हो सकते हैं। इस्लामुद्दीन भाई नोट करिए, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला, आने वाले वक्त में सारी एमएम के लोग एनसीपी में आ गए, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला सैफ भाई ने अच्छा काम किया तो आने वाले वक्त में वो एनसीपी के नगर सेवक रहेंगे, नोट करिए। भाई शानू भाई आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीपी में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि एनसीपी मुमरा के आवाम के फेवर में नहीं है, इसके लिए मैं एनसीपी के फेवर में नहीं हूँ। 3 मैनोफेस्टो उनके आ चुके अभी तक, उसमें से कौन सा एक वादा पूरा हो गया वो बताए। एक एक मुमरा के हॉकर को जिनको आपने आपको जिन्होंने जीता हॉकर को नहीं दिला पाया। हाँ बोलिए बोलिए साहब भाई, एक मिनट बोलने दीजिए सानू भाई को बोलने दीजिए। हमने क्या किया और क्या नहीं किया उसमें भी होना चाहिए, आने वाले टाइम में उसका एक साहब टाइम ले लीजिए इंशाल्लाह, उसमें भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी बिल्कुल बिल्कुल। कौसा के अंदर रेती बंदर का रास्ता, रेती बंदर की खूबसूरती, हर गली का रास्ता, अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटे लोड शेडिंग, यहाँ पे लोग आने को तैयार नहीं भाई, हमने कोर्ट से लेकर इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आप बोले ना एक डिबेट उस पे होगी, और मैं आपको आज बता देता हूँ आज भी आपके पास जवाब नहीं है और उस दिन भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, मैं आपकी वो उड़ान भी लेकर आऊंगा, सुनिए ना, आपकी उड़ान भी लेकर आऊंगा, आपके सब मैनोफेस्टो लेकर आऊंगा भाई, वो आपकी चौपाटी सुनो, आप मेरा दिल भी जानता है भाई, मेरी जनता के पैसे खा करके सुनो ना, यहाँ के मेरे भाई, यहाँ के जो नगर सेवक सुनो ना भाई, शानू भाई जो नगर सेवक साइकिल पे घूमते थे आज रेंज रोवर में घूम रहे, मेरे भाई मेरा दिल जानता है, हमारी जनता के पैसे से लोग भाड़े के घर पे रहते थे, बंगलोज बन रहे भाई, मैं सब जानता हूँ मेरे भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जनता का कुछ फायदा नहीं हुआ। सुनिए आप लोग लड़िए मत, बात सुनिए मेरी आवाम की, शानू भाई साहब भाई आप लोग बात सुनिए पहले, इस मुमरा के अंदर कई लोग चालियों में, अरे भाई मैं भी शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन तरक्की सही, तरक्की पूरी पूरी कौम की होना चाहिए भाई। शानू भाई एक टोरेंट के मुद्दे से बताता हूँ भाई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखो मेरे भाई, मेरे भाई 13 लाख की आबादी के शहर में रहते हम लोग, मुमरा के लोग अमीर नहीं हो, शानू भाई आज अच्छे अच्छे पैसे वाले हो गए, मुमरा के अंदर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नूरू भाई नसरू भाई ये सब फैमिली क्या थी पहले, शफी भाई इब्राहिम वाले क्या थी, सब नगर सेवक बनने के, शानू भाई साहब आप लोग मुद्दे को भटकाइए मत, रुकिए पहले आप लोग रुकिए, पहले आप लोग रुकिए, आप लोग मुद्दे को भटकाइए मत, टोरेंट पे बात कीजिए, और क्या बना क्या नहीं बना उस पे बात मत कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप क्या थी, टोरेंट पे बोले ना, जनता इतना परेशान है, लाखों रुपए बिल आ रहे हैं, आप लोग उसको चर्चा नहीं कर रहे हैं, कौन क्या बन गया वो लेके चल रहे हैं, टोरेंट कैसे बिल कम करेगी, जनता के हल कैसे निकलेगा वो बताइए ना शानू भाई आप। भाई मैं टोरेंट के लिए बोल रहा हूँ, इस्लामुद्दीन भाई एक मिनट शानू भाई को जरा बोलने दीजिए, साहब भाई शानू भाई को बोलने दीजिए, मैं बोलूं भाई, बिल कम, हाँ बोलिए, मैं बताऊं भाई टोरेंट कैसा बिल कम करेगी, मैं बताऊं भाई
टोरेंट कैसे वापस होगी बताओ। हाँ बोलिए, सुनिए इस्लामुद्दीन भाई सुनिए, 19, 20, 21 के बाद कैंप जो कंटिन्यू चालू हो रहा है पैनल वाइज, और सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, उसमें हम रिकॉर्ड रखेंगे, उसमें रिकॉर्ड रखेंगे, अगर 2000 लोगों की कंप्लेंट आई और उसको सॉल्व नहीं किया गया तो फिर हम उसमें नॉर्म्स के आधार लेके जो उसका टेंडर हुआ है उसको लेके हम सरकार के पास भी जाएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अगर जो गलत हुआ है तो टोरेंट को भगा के ही रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर कैंप लगेगा सानू भाई, मैं बोलूं भाई अगर कैंप लगेगा कितना बिल माफ होगा उसमें जरा बताइए ना, जिसका 2 लाख रुपया बिल है, 1 लाख रुपया बिल है, कितना माफ करेगा टोरेंट, कितना बिल माफ करेगा, वही बात बता रहा हूं, कितना माफ करेगा बताइए ना। सुनिए, भीख नहीं चाहिए, माफी नहीं चाहिए, हमने अगर 200 रुपए की लाइट यूज की है, हमने 50 यूनिट यूज किया, उतना ही पैसा देंगे, फिर तुम्हारा 2 लाख का बिल है तो तुम्हारे पास रखो, और अगर नहीं माने तो सरकार के साथ पास जाके निवेदन करेंगे, सरकार नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ भी हम उतरेंगे और उसके बाद कोर्ट में भी जाएंगे, परवाह नहीं करते हम खुद के खिलाफ। अरे जब तक आप लोग टोरेंट के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे तब तक मुंब्रा शहर के कितने लोग जेल की हवा खा लेंगे, टोरेंट उन्हें जेल भेज देगी, इस्लामुद्दीन भाई बिल ना जमा करने के वजह से उन्हें जेल भेज देगी। सरकार किसी की भी रहे, मुद्दा आवाम करेगा तो डर लड़के लेंगे, ये याद रखिए, सरकार से परवाह नहीं पड़ती भाई। इस्लामुद्दीन भाई मैं बोलूं, सुनिए इस्लामुद्दीन भाई एक मिनट, सैफ भाई एक मिनट, देखिए पहली बात तो शानू भाई बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूं फिर आप बोलिए। सुनिए इस्लामुद्दीन भाई, आपको याद नहीं है हमने, हमारे अजीत दादा पवार साहब मिनिस्टर थे, हमने रोड रोका आंदोलन किया, जेल गए 2 दिन, लोड शेडिंग के खिलाफ एमएसएटी हमारी सरकार थी, गए साथ में जेल गए, जो रऊफ लाला साहब आपके प्रेसिडेंट है एमएम के, वो साथ में हमारे जेल गए, हम जब विरोध रहे, जब विरोध रहा हम सरकार भी नहीं तो परवाह नहीं किए विरोध का, इसलिए आज भी बोलते जब बात सही रहेगी, अगर बात सही रहेगी तो फिर वो चाहे एमएम का प्लेटफॉर्म हो सैफ भाई का, चाहे फिर शिवसेना का प्लेटफॉर्म हो, चाहे किसी और, चाहे समाजवादी का प्लेटफॉर्म हो, हम उनके साथ में खड़े रहकर गलत को गलत बोलेंगे। ठीक है शानू भाई, लास्ट सवाल आपसे है, मैं बोलू ठीक है, मैं बोल भाई, मैं बोल शानू भाई का जवाब दे दू। देखिए पहली बात तो शानू भाई बहुत सीधी बात कर रहे हैं, शानू भाई जो अपोजिशन का रोल है वही हमेशा करके सिर्फ यानी बताने की कोशिश करते कि मैंने धरना किया, ये हमारा काम है भाई, हम अंदर नहीं चिल्ला सकते, हम अंदर हम चुन के नहीं गए तो ये हमारा काम है, लेकिन शानू भाई करके खुश होते तो होन दो, रिजल्ट तो लाते नहीं। दूसरी चीज, शानू भाई आज बता रहे हैं मेरे भाई कि मैं टोरेंट के खिलाफ यूनिट के हिसाब से बात करूंगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ शानू भाई, थोड़ा स्टडी कर लेते, थोड़ा पढ़ाई कर लेते यूनिट के पीछे, तो आपको पता चलता कि पर यूनिट का चार्जेस बढ़े हैं मेरे भाई, हर एक यूनिट के पीछे 50 पैसा 60 पैसा बढ़ा है, और आप जो बोल रहे यूनिट के हिसाब से बिल दूंगा तो मैं वही तो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, आपको लड़ाई नहीं समझ में आ रही, आप अगर ये जूम कर सकते भाई कैमरामैन, एक मिनट शानू भाई एक मिनट, ये जूम कर सकते हैं तो जरा ये जूम करके बताएं मेरे भाई, ये देखिए जो बिल है ये हर महीने 0 यूनिट भेज रही है टोरेंट, और अचानक से 1 महीने भेज रही है 1000 यूनिट, ये देखिए अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए भाई, सुने सुने शानू भाई मेरे को कंप्लीट करने दिया आपको समझ में आएगा, ये महीना हर महीना देखो 100-100 यूनिट से एवरेज बिल भेजी, बंदे ने बिल भरा, उसके बाद यानी टोरेंट ने सितंबर में भेजी 6745 यूनिट आता है लास्ट स्लैब में मेरे भाई, और वो जहां पर उसको 3 रुपये से 7 रुपये से चार्ज करना चाहिए था वहां पर 12 रुपये से चार्ज कर रही है, आप तो बोलेंगे कि 12 से चार्ज करो, उसमें उसकी गलती नहीं, मैं तो इसके साथ हूँ, आप पल्ला झाड़ दोगे लेकिन वो गरीब बंदे का क्या भाई, तो वही तो लड़ाई आप समझिए, स्टडी करिए, उसको बोलो स्लैब वाइज मारने, हर महीने बिल मारेगी तो हाँ करिए भाई, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ मेरे भाई। उसके बाद इस्लामुद्दीन भाई बात आई, शानू भाई ने कहा कि सरकार के खिलाफ हम लोग धरना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि टोरेंट ऐसा धरने से, इनके धरने से नहीं जाएगी, टोरेंट से इन्होंने कैंप लगाए, मुझे पूछिए कि एक कस्टमर का जो भी मीटर लग रहा है क्या उसको टोनर प्लास्टिंग में वो रिपोर्ट दे रही है क्या, अगर ये बोल रहे कि मैं रीडिंग के हिसाब से बिल आएगा तो कुछ नहीं बोलूंगा, अगर वो मीटर ही फास्ट है उनका तो ये क्या करेंगे, हम तो यही आप वो कर रहे ना कि भिवंडी में लोगों के मीटर फास्ट है टोरेंट के, उसकी रिपोर्ट नहीं है लोगों के पास, तो कोर्ट क्या जाएंगे या धरना करके उसको रॉन्ग क्या बताएंगे, हम तो वही मांग रहे, मैंने मेरे मेमोरेंडम में मांगा है कि हम हर एक कस्टमर को लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट दी जाए, हम वो रिपोर्ट से देखना चाहते कि आपका मीटर फॉल्टी है कि नहीं, आप और जो बोलो मेरे भाई आपकी भी सुन लेते, आप परेशान है बोलो जो बात आप बोल रहे हो वो बात सही है,
मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन के पीरियड के लोगों के बिल पहले के क्लियर थे, अचानक बिल 2-2 लाख रुपए आ गए, 70-70 आधा आ गए। तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि लड़ाई एवरेज बिल और फॉल्टी बिल की है। फॉल्टी बिल कब आता है? जब फॉल्टी मीटर रहता है। और सुनिए, एक जो MSEDCL पहले चार्ज करता था यूनिट, वही यूनिट से टोरेंट पैसा ले रही है। एक दूसरी बात, अगर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम यह है कि 4 महीने का बिल पहले लोग भरते थे। इस्लामुद्दीन भाई गौर से सुनिए, एक एक फैमिली साल साल भर का बिल भर रही है, उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन बाद में टोरेंट तुरंत उसको 50,000 का बिल भेज देती है। तो हम लोग का सवाल ये कि भाई वो तो साल भर से बिल भर रहा है, तुम 50,000 बिल भेजे कैसे भेजे? तो वो बोलते हैं कि ये इन्होंने एवरेज बिल भेजे, हमने इन्होंने लाइट यूज किया। तो तुम क्या सो रहे थे? टोरेंट सो रही थी, MSEDCL सो रही थी। हमारी लड़ाई भी सिस्टम की जो खराबी है उसके खिलाफ है। अगर सिस्टम सही होता है तो कंपनी कोई भी रहे, हम जितना यूज कंज्यूमर करेगा उतना पैसा भरेगी, तो हम तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2-2 लाख 50,000 70,000 बिल आ रहे, उसके लिए ही प्रॉब्लम है। और वो एवरेज बिल और फॉल्टी बिल है। फॉल्टी बिल मतलब फॉल्टी मीटर होगा तो फॉल्टी बिल होगी, तो उसके ही नहीं लड़ाई चल रही है। ठीक है शानू भाई, मेरे भाई वो एवरेज बिल नहीं, हाई कंजम्पशन रेट बिल है। आपको वही बोला, आप पढ़िए, हाई कंजम्पशन रेट बिल भेज रहा है वो। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। आप लड़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप लड़ रहे कौन सी दिशा में हो। मैं यही तो समझा रहा हूँ कि जो 6,000 यूनिट करके इन लोगों ने, जो इनका 500 यूनिट दर का जो इनका चार्जेस है टोरेंट का, 11.79 रुपया, उससे बिल मार रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि नहीं यूनिट इतना इस्तेमाल। गौर से सुनिए, उनका जब 200 यूनिट तक अलग चार्जेस है, 100 यूनिट के बाद 200 यूनिट से अलग चार्जेस है, और इन लोग जब यूनिट 300 के ऊपर हो जाएगा तो 11 रुपए 12 रुपए ऐसा बेचते। मतलब यूनिट भाई वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यूनिट की गड़बड़ी है, गड़बड़ी मीटर। तो आप तो एग्री नहीं कर रहे, आप तो यूनिट के साथ हो उनके। आप मैं आपको वही तो बोला, यूनिट का झोल कर रहे उन लोग। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे पास, मैं समझ चुका हूँ भाई, आप समझिए, आप वही समझते जो मंत्री साहब समझाते, बस उतना ही आप समझते। आपके पास, आपके आप समझिए भाई, मिलने का चश्मा है तो मैं क्या करूँ भाई? मेरे पास चश्मा है, अल्लाह का दिया हुआ चश्मा है, मैं आपको देखता हूँ और इंशाल्लाह उसी पे काम करने का और उनका सोचता हूँ, मैं किसी और का नहीं सोचता। सुनिए, आपको जो मीटर का जो बिल है, जो रीडिंग है, पहले MSEDCL के टाइम पे हमारे घर की बिल 1500 आती थी, एक महीने के अंदर 70 यूनिट देते थे। अब आपके इसमें 140 क्यों आ रही है? लड़ाई है, 70 जब MSEDCL लेती थी और MSEDCL 70 यूनिट का बिल चार्ज करती थी तो टोरेंट आते ही 170 कैसे हो गया? ये लड़ाई जाइए ना मेरे भाई, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट मांगी ना मीटर की, वो क्यों नहीं मांग रहे आप लोग? मेरे को एक रिपोर्ट दिखा दी रही है भाई, कि अगर कस्टमर को दी है उसने या आपके कोई अधिकारी को दी है तो वो एक रिपोर्ट दिखा दीजिए भाई। दिन भाई टोरेंट आते ही लॉकडाउन चालू है, इसीलिए अभी ये सब इसको लड़ाई पूरी लड़ना तो मेरे भाई टोरेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे। हम तो आज भी बोल रहे कि हमको MSEB चाहिए, हमको टोरेंट चाहिए ही नहीं हमारे शहर में। और सुनिए ना भाई, अभी आप बात छिड़िए तो मैं बता दूं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कलवा का टोरेंट विभाग से हटाया जा रहा है, उसके लिए मंत्रालय में यानी लोग पहुंच गए हैं, वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कलवा को अभी यानी क्या बोलते हैं, थाना के फीडर में डाला जा रहा है, दीवा और सील को उधर के क्या डोंबिवली फीडर में डाला जा रहा है MSEB में। तो मुमरा के लिए टोरेंट प्रोजेक्ट की गई थी क्या भाई? जैसा भिवंडी में किया गया हमारे लोगों पे, वैसा मुमरा के लिए अगर ऐसा कभी हो जाता है भाई, सुनने में आ रहा है अगर कभी ऐसा हो जाता है ये 1-2 महीने 6 महीने में, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग फिर भी चुप रहोगे, बोलोगे नहीं सरकार को फाइन भरना पड़ेगा? मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम तो अभी से इसकी लड़ाई के लिए शुरुआत कर ली है, अब पहले भी थी हमारी, लेकिन वो अगर कलवा जाए ना जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई टोरेंट के खिलाफ, उनकी बिल के खिलाफ, उनके एवरेज बिल के खिलाफ, उनके फॉल्टी बिल के खिलाफ, उनके मीटर के खिलाफ है। अगर वो नहीं सुधरते हैं एज पर टेंडर तो उनको यहाँ से भागना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। मेरे भाई यही तो बात है, आपकी लड़ाई उसके बिल के खिलाफ है, उसके एवरेज बिल के खिलाफ, फॉल्टी मीटर के, लेकिन आपकी लड़ाई टोरेंट के खिलाफ नहीं, आपकी लड़ाई आवाम के हक में नहीं। अरे भाई इंसान से लड़ाई नहीं होती, उसके 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 पीछे किए गए अमल के उस ऊपर है कि भाई ये इंसान की ये गलती है। हर इंसान बेचारा अच्छा रहता है,
पैदा होके बच्चा मासूम ही आता है, जब गलत करता तो लड़ाई बच्चा मासूम आता है, लेकिन टोरेंट कोई भी एतबार से मासूम नहीं मेरे भाई, भिवंडी मिसाल है। टोरेंट कोई भी एतबार से मासूम नहीं। कहीं सुन, अगर प्राइवेटाइजेशन मंत्री साहब को लाने में ऐसा नहीं तो टाटा लाते मेरे भाई, लास्ट रिलायंस लाते। समय बहुत कम है, लास्ट सवाल आते हैं। शानू भाई सुनिए, प्लीज सुनिए, टोरेंट के जनता के लिए आप जो लॉकडाउन का पीरियड गया है इसमें लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और अभी भी नहीं है, लोग परेशान हैं अभी भी, तो क्या आप लोग 3 महीने की बिल माफ़ करवा सकते हैं क्या टोरेंट से? आपके मंत्री जी हैं, उनसे आप लोग निवेदन दीजिए, मिलिए। ऊर्जा मंत्री कांग्रेस के हैं, उनसे भी मिलिए। आप लोग इस पर पहल कीजिए कि 3 महीने की बिल जो है माफ़ की जाए। 3 महीने जाओ, 6 महीने 7 महीने हो गए, लोग घरों में थे तो पैसे कहाँ से भरेंगे? आप लोग इस पे कुछ कदम उठा रहे हैं या नहीं? या बस देखिए, हमने लाइट के बिल 3 महीने के माफ करने के लिए बोला है, हमने 6 महीने का सुनिए तो आपस में बोला है भाई, सुन तो लीजिए, इसीने तो बोल रहा हूँ, आपस में बोल जाए जानू भाई ने। माननीय मिनिस्टर साहब को हमने बोला, जानू भाई आपकी हर सुनिए, शानू भाई आपकी हर छोटी बड़ी खबर आती है सामने। आपने ये 3 महीने की लाइट बिल माफ करने के लिए किससे कहा? अभी तक वो खबर नहीं सामने आई, बताइए। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको मैं बता दूं, आपको यही बात बता रहा हूं कि पानी का बिल, टैक्स ये 4-4 महीने के लिए छोड़ने के लिए, और लाइट बिल 3 महीने के लिए, ये हमने मंत्री माननीय जितेंद्र रावत साहब से चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसका निर्णय कांग्रेस मंत्री जो है उनसे बैठ के लेना पड़ेगा और मिनिस्टर साहब के पास साथ में जाना पड़ेगा डेलीगेशन लेके, और ये आपके मुमरा के लिए नहीं होगा, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू होगा, याद रखिए। ठीक है साहब भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं टोरेंट के खिलाफ? आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से आप लोगों ने टोरेंट का जो बिल है, जो इनयूनिट रेट है टोरेंट का, इसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई है, तो आगे आप लोगों की लड़ाई किस तरह से जारी रहेगी? और जिस तरह से आप लोगों ने 15 दिन का समय दिया था, 15 दिन में अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो कैसा आंदोलन रहेगा आपका? क्योंकि आप दोनों पार्टियों पर ऐसे ही आरोप लग रहे हैं, जितनी भी मुमरा में बीजेपी हो, MIM हो या NCP हो, आंदोलन अगर टोरेंट के खिलाफ होता है तो सिर्फ जनता यही कहती है कि ये नौटंकी हो रही है। मैं आपको बताऊं इस्लामुद्दीन भाई, कि जब हमने टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, टोरेंट को हमने रोका था। अगर हमने पिछले साल 2019 में 26 जनवरी को टोरेंट आने वाली थी तो हम 21 से हम लोग 17 लोग भूख हड़ताल पे बैठे, हमने टोरेंट को रोका था। टोरेंट आधी रात को छुपके से यहाँ के जो लोग हैं, यानी मंत्री साहब या उनके नगर से, उन छुपके से आधी रात को, सुनिए छुपके से, मैं वापस से बोला, 29 फरवरी की आधी रात को 12 बजे बोर्ड बदला गया। अगर आपको याद होगा शानू भाई, तो छुपके ही बोलूंगा मैं, क्यों नहीं दिन दाड़े आई। सुनिए मेरे भाई, आप जवाब सुनिए ना शानू भाई, शानू भाई बोलने दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना भाई, मेरे को मालूम है आपके जवाब यानी बेसलेस होंगे, मैं सुन लूंगा भाई, सुनो ना। रात को 12 बजे आई, तब यानी आप लोग चुप रहे, आप लोगों ने उसको आने दिया, ठीक है। उसके बाद टोरेंट आने के बाद आपके मंत्री साहब ने एक, यानी आने से पहले बोला था, एक ऑफिस नहीं खोलने दूंगा मैं टोरेंट को, एक ऑफिस नहीं खोलने दूंगा। धड़ाधड़ 2 ऑफिस खुल गए मेरे भाई उनके क्षेत्र में, कलवा में इतना बड़ा ऑफिस, मुमरा में इतना बड़ा ऑफिस, क्या किया आप लोगों ने? आप लोग सिर्फ बोलते हो, और अभी भी जनता परेशान हो रही है, ऑफिस खुल गए, परेशान हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? आपके मंत्री साहब क्या बोल रहे हैं? सुनिए ना, आप लोग जो अपोजिशन काम करती वही कर रहे, आप धरना दे रहे हो। अरे वो तो हमारा काम है मेरे भाई, हम आवाज बता रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात, आप अपना ही काम कर ले, बहुत मेहरबानी है मेरे भाई, आप लोग अपना ही काम कर ले, आपके मंत्री साहब वहाँ पर असेंबली में इसके खिलाफ आवाज उठा ले भाई, बहुत एहसान होगा मुमरा वालों पे उनका भाई। आप सच्चर कमेटी, जरा आप अपने मंत्री साहब को सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ाइए, ये हम पूरा मुस्लिम तबका है मेरे भाई, और सच्चर कमेटी रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि मुस्लिम जो है इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ, यानी कम कमाई करने वाला वो है, जाति है कम इनकम वाली जाति है, उसके ऊपर टोरेंट ला रहे हैं आपके साथ। अरे लाना ही था प्राइवेटाइजेशन तो टाटा लाते, टाटा लाते। इस्लामुद्दीन भाई हाँ बोलिए, बात इंसाफ की है, फिर चाहे गलत हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, हम लोगों ने जब भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है कंप्लीट करिए आप।
हमने साफ बोला था कि हमको टोरेंट नहीं चाहिए। भिवंडी में टोरेंट जिस तरीके से हमारे लोगों पे जुल्म कर रहा है, हमारे भाइयों पे, चाहे वो हिंदू भाई हो मुस्लिम भाई हो, सब पे जुल्म कर रहा है। पूरी लूम इंडस्ट्री बंद हो गई भाई, कारोबार ठप हो गया वहां पर लोगों का, उसी तरीके से हमारा मुमरा बर्बाद होगा। तो आप टाटा को लाइए, लेकिन टाटा को लाने में प्रॉब्लम ये था कि टाटा 30% कमीशन नहीं देता था मेरे भाई, वो यहाँ पर कंज्यूमर को राहत देता था, वो 2 रुपया यूनिट से चार्ज, क्योंकि उसका खुद का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था, उसी से यहाँ पर सरकार भी इलेक्ट्रिसिटी लेती है, तो उसको नहीं लाया गया, इन लोगों ने टोरेंट को लाया गया। और शानू भाई मैं आपको याद दिलाऊं, 2000 का सुनिए, इस्लामुद्दीन भाई सुनिए, यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि टोरेंट को जानबूझ के लाया गया, क्या इन लोगों ने जानबूझ के लाया गया? सुनिए ना, इनसे ही पूछिए जनप्रतिनिधि की, उसके परमिशन के बिना कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं आती। मुझे ये समझ, मुझे शानू भाई प्रधानमंत्री को, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हमने लाया। अरे यार आप कबूल रहे, आप यानी ये जितेंद्र अवार्ड जी के बिहाफ पे कबूल रहे के मोदी को भी आप लोग लाए? अरे कब्रिस्तान कब्रिस्तान भी, चलो अल्लाह का शुक्र, मेरा भाई अल्लाह इसी आपका ईमान ताजा करे, आप सब कबूल ले ऑन कैमरा, अरे मेरे भाई आप सब कबूल ले ऑन कैमरा। बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल। इस्लामुद्दीन भाई मैं कंप्लीट कर लूं, इल्जाम लगाने के लिए मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए इनकी मंशा, समय बहुत कम है साहब भाई, आप कंप्लीट कीजिए। इनकी मंशा तो तभी समझ गई थी जब 2018 में आपके प्रायर टाइम पे ही जो मंत्री साहब के जो साहिबा है मिस रूता अवार्ड जी, उन्होंने ऑन कैमरा प्रहार पे कहा था कि हमको टोरेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, और शानू भाई बाजू में खड़े थे। आपको वीडियो बोलो तो मैं दिखा देता हूँ। शानू भाई तब 2018 में एग्री कर रहे थे रूता अवार्ड जी, और शानू भाई बाजू में खड़े थे, तो ये तो खुश थे टोरेंट को लाने में, तो ये विरोध कब कर रहे थे? ये उनकी मिसेस ने कहा है भाई कि हम तैयार है, उनको जनता से नहीं, आज भी बोल रहे हैं कि टोरेंट का विरोध नहीं है, तो वो तो आज भी बोल रहे हैं ना कि टोरेंट का विरोध नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको इस्लामुद्दीन भाई चौथी बार बोल चुका हूँ कि आपको मैं ये वापिस एक बार बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी रहे, जितना एमएससी डीसीएल बिल भेजती थी उतनी यूनिट के हिसाब से जायज पैसा ले गए, तो हमारा विरोध नहीं, मेरा, मैं मेरी बात करके ले रहा हूँ, और विरोध नहीं, मैंने इंडिविजुअल बता दिया। और उसके बाद मैं अपने पार्टी की तरफ से बोलता हूँ कि हम लोग टोरेंट रहे या टोरेंट का बाप रहे, गलत मुमरा के अंदर करेगा, ये भिवंडी नहीं है। ए शानू भाई थोड़ा काट कर मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ जो इस्लामुद्दीन भाई, देखो ये वीडियो। अगर सुनिए, अगर उन्होंने गलत किया और ये सुधारा नहीं हुआ तो टोरेंट को भागना ही पड़ेगा मुमरा से। भाई 2018 में लाने के लिए बोल रहे थे आप लोग, तो भगाओगे क्या आप लोग? इस्लामुद्दीन भाई हमारी सरकार नहीं थी, अरे सरकार, अरे तुम्हारी सरकार नहीं थी भाई, मेरी बात सुनो ना, और पेंडेमिक चालू है भाई, और कोविड चालू भाई, अभी हमारी सरकार आई है भाई, महाराष्ट्र के अंदर 6,000 करोड़ रुपए का सरकार, सुनिए ना, आपकी सरकार नहीं थी तब आपकी सुनवाई नहीं थी, आपकी सरकार है तब आपकी सुनवाई नहीं, तो आप लोग किस काम के मेरे भाई? सुनिए ना, अभी तो आपने पूरी बात पूरी सुन मिली, महाराष्ट्र के अंदर 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान होता है था MSEDCL को लाइट का, 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ और आज भी नहीं भरा जा रहे, तो भी मैं आपको यह वादा करता हूँ कि अगर टोरेंट अपनी मस्ती से सुधरा नहीं और मुमरा के लोगों को अगर परेशान किया और जो चेक कर रहा है उस पर सुधारना नहीं आई, तो टोरेंट को हम ही भगाएंगे। अरे भाई मेरे भाई, मैं अभी मैं बोलूं, शानू भाई मैं बोलूं, एमआईएम तो खाली आएगी भाई, शानू भाई, इस्लामुद्दीन भाई मेरा एक बात है, बात खत्म कर रहा हूँ, फिर सुनिए, काम जमीन पे हमने किया है, काम जमीन पे हमने किया है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कोसा के अंदर लोगों ने चुन के वोट के जरिए बता दिया है। सुन लीजिए एक और बात, हम वो बातें नहीं करते कि हमारे नगर से वो कोसा में आएंगे पानी आ जाएगा, वो चालू भाई, तो आज तक पानी भाई, मैं एक बात बोलूं, मैं बोलूं इस्लामुद्दीन भाई, इसका जवाब दूं, इस्लामुद्दीन भाई मैं इसका जवाब दूं, अरे पूरी बात सुन लीजिए, तुम्हारा जवाब पूरा सुनूंगा, चिंता मत करो, पूरा सुनूंगा इस्लामुद्दीन भाई, पानी आ जाएगा कौसा में, नगर सेवक तो आ गए लेकिन बेचारी जनता कायस साहब आके बोले थे पानी आएगा, पानी लगता है हैदराबाद में ही है, तो इसीलिए मैं आपको साफ बोलता हूँ, हम ही टोरेंट भगाएंगे इंशाल्लाह ताला, गलत करा तो, और आने वाले वक्त में हमारे ही बैनर पे, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, एनसीपी के प्लेटफॉर्म पे सैफ भाई लोगों के काम करेंगे इंशाल्लाह। भाई अभी मैं जवाब दूं, बोलो, देखिए जो पानी के तालुक से बात है ना, तो हमने पानी का वादा करके इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो हमारी तरफ से गिफ्ट है, वो हम देंगे, हमने वो वादा नहीं किया था कि हमको वोट दो तो हम आपको पानी लाके देंगे, वो बोरिंग मार के देंगे, वो हमारी तरफ से गिफ्ट है, हम लाके देंगे वो,
वो तो गुंजन जो गद्दार था वो उसने रोक के रखा था, नहीं तो शाह आलम ने खुद जमीन दी थी, मैंने जमीन दी थी, लेकिन इनका ही छोड़ा हुआ गद्दार जो, सुनो मेरी मेरी बात, अरे मैं करूंगा भाई, मैं आज बनाओ अभी बनाओ इंशाल्लाह ताला, जो पानी का बोरिंग का वादा था मैं लाऊंगा, आप वो वादा तोहफा है हमारा, हम वो मैनिफेस्टो बता के इलेक्शन नहीं लड़े मेरे भाई, अरे अरे भाई गिफ्ट है, इलेक्शन बाद हमने एक प्रोग्राम में बोला, हमने सभाओं में नहीं बोला, सुनो ना, हमने सभाओं में नहीं बोला, हमने इंटरव्यू में नहीं बोला, हमने ये वादे नहीं किया कि हमारी लाश पे से टोरेंट गुजरेगी, हमने ये वादे नहीं किया कि टोरेंट को मैं सरकार में जीतूंगा, मैं एमएलए जीतूंगा तो मैं टोरेंट को नहीं आने दूंगा, हमने ऐसे झूठे वादे नहीं किए मेरे भाई, हमने तोहफा देने की बात की और इंशाल्लाह ताला सैफ पठान ऑन कैमरा बोला कि ये वादा हम पूरा करेंगे, ये हमारा गिफ्ट हम आवाम को देंगे। आप बुनियादी सहूलतों की बात करिए मेरे भाई, आप मुझे ये बताएं कि स्लाटर हाउस जो आप लोगों ने, स्लाटर हाउस जो हमारा पास हुआ था वो खा के बफर जोन में भेजे, उसका क्या हो रहा है? बोलिए बोलिए। अरे भाई अभी 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 आप मुद्दे से भटक के बात करते तो चलता, मैं पूछता हूँ दो सवाल तो आप बाद में की बात करते, अभी जब बात छिड़ती तो हो जाए ना शानू भाई, आप बताएं कि आपने 13 साल में आपके एमएलए साहब ने ऑकर जोन कितना दिया शहर को, यहाँ ट्रैफिक के लिए आपने पूरा मार्केट उखाड़ दिया गुलाब पार्क का, आपने ब्रिजेस की कितनी मांग की वो बताइए, ब्रिजेस थाना में छोटे छोटे हिस्सों पे ब्रिजेस बने, हमारे मुमरा शहर में 3 ब्रिजेस क्यों नहीं बने अभी तक, उस पर क्या हुआ? आपने बताया कि ये टोरेंट आने की वजह यहाँ पर लोड शेडिंग थी, ये थी, तो आपके जब अजीत दादा पवार थे तो मुझे याद है कि आप लोगों ने सब तरफ बैनर लगा करके लोगों को बताया कि 125 करोड़ पास हुआ है अभी लाइट की दुरुस्ती के लिए, अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपके कॉन्ट्रैक्टरों ने घटिया है ना, वहाँ पर आपकी पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर बने और उन लोगों ने वो पैसा लिया और घटिया क्वालिटी का केबल और ये यूज़ करके उसको सही से दुरुस्त नहीं किया, ये आपकी गलती। और टोरेंट पावर आने के लिए जैसा आप अभी बता रहे थे 400 करोड़ रिकवरी बाकी है बाकी है, तो मुमरा का मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बता सकता हूँ कि 2019 जनवरी से लेकर 2000 दिसंबर तक एमएससीबी की जो वसूली थी 17 करोड़ रुपया महीने के एवरेज से हो रही थी, 25 करोड़ रुपया मार्च की उनकी वो हो रही थी, तो इस तरीके से जो उनका वसूली सिस्टम था जो 60% कभी लॉस बताता था मुमरा में 40% पे आ गया, अगर एमएससीबी को एक साल और दे देते तो वो 20% पे आ जाता, उतना लॉस तो पूरे हिंदुस्तान में रहता है, तो हमारे वहां से भगाने की समय बहुत कम है, भगाने की जरूरत क्या है भाई, साहब भाई सानू भाई समय बहुत कम है, आप जवाब सुन लो 2 मिनट के लिए, एक मिनट में आप जवाब दीजिए सानू भाई, सुनिए समय बहुत कम है, जैसे टोरेंट की मिसाल भिवंडी से देखते, हमने काम किया है या नहीं किया है भिवंडी देख लो और 13 साल का मुमरा देख लो, अगर हमने काम नहीं किया है तो भिवंडी की रिकॉर्डिंग दिखा देना साहब भाई को और मुमरा की रिकॉर्डिंग दिखा देना 13 साल में, बहुत बहुत शुक्रिया सानू भाई, सानू भाई, सानू भाई लोगों ने सिर्फ झूठे, सानू भाई साहब भाई सुनिए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी राय रखी। बहरहाल जिस तरह से टोरेंट को लेकर मुमरा शहर में लोग परेशान हैं, जनता काफ़ी परेशान है, कहीं ना कहीं आपने दोनों पार्टी MIM और NCP के जो नेता हैं इनकी बातें सुनी और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कौन, जो शानू पठान और शैब पठान है, इन लोगों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये आप लोग खुद तय करें।